हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस द एस्टिमेशन ऑफ सेल्फ एस्टेड ऐश इन कैंडी। इसको हम फाइंड आउट करेंगे मेथड से, किस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। क्या ऐश कंटेंट्स होता है फूड में, क्या है क्या ऐश है, क्या उसके बाद जलता है, क्या बर्न होता है, H2SO4 का हम इसमें यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए, क्या क्या इसमें मटेरियल चाहिए, क्या क्या प्रोसेस हैं, ये सब हम आपको इस पूरे प्रोसेस में ब्रीफली एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको पूरा बताएंगे। अभी मैं जैसे PPT के थ्रू भी आपको मैंने कुछ इसमें मेथड के थ्रू बताया है कि इस तरीके से हम इसको सैंपल कैसे लेते हैं, कैसे ग्राइंड करते हैं, स्टार्टिंग में वेट कैसे करना है, सब चीज़ें ब्रीफ। और इसको हम पूरे प्रोसेस को ब्रीफली आपको एक्सपेरिमेंट में प्रॉपरली आपको एक एक स्टेप हम करके दिखाएंगे, जो जो हम आपको स्टेप जो मैंने PPT में दिखाए हुए हैं। इस तरीके से आप पूरा ब्रीफली इस मफल फर्नेस के प्रोसेस को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और कोई भी बिगनर अगर इसको इस प्रोसेस को फॉलो करता है तो वो टेस्ट इजीली प्रॉपरली आराम से लगा सकता है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट वेरी द वेरी टिपिकल टेस्ट, बिकॉज इन रूटीन प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो इट्स वेरी इजी। तो आप लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस और किस से कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए, फाइनल वेट आने के बाद भी कैलकुलेशन क्या रहती है, कैसे होता है, इसको ब्रीफली हम आपको आगे पूरे एक्सपेरिमेंट में ब्रीफ करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसी भी फूड प्रोडक्ट का किस तरह से ऐश एस्टिमेशन करते हैं वो सीखेंगे। तो ऐश एस्टिमेशन के लिए बेसिकली हमें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो हैं मोटा पेस्टल, जिसकी हेल्प से हम हमारे सैम्पल को क्रश करेंगे, लॉन्ग टॉन्ग, डेसिकेटर हम यूज़ करेंगे जब हम उसको मफल फर्नेस से बाहर निकालेंगे, उसके बाद में हमारा जो क्रूसिबल होगा उसको इसमें रखने के लिए, जिससे कि वो कूल डाउन हो सके, स्पैचुला एंड क्रूसिबल। तो सबसे पहले हम क्रूसिबल को मॉइस्चर फ्री करने के लिए लॉन्ग टॉन्ग की हेल्प से हम इसको मफल फर्नेस में रखेंगे और इग्नाइट करेंगे 15 टू 20 मिनट्स के लिए, और तब तक ये इसका जो भी मॉइस्चर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। हमने मफल फर्नेस को प्री हीट किया है और फिर उसके बाद में हमने इसको ऑफ कर दिया है। अभी हम पहले लॉन्ग टॉन्ग की हेल्प से हमारा जो क्रूसिबल है उसको इग्नाइट करने के लिए इसके अंदर रखेंगे। तो हम इस तरह से इसे ओपन करेंगे और लॉन्ग टॉन्ग की हेल्प से हम इसे अंदर तक प्लेस कर देंगे। इस तरह से हम इस गेट को वापस से लॉक करेंगे और जो ये स्विच है इसकी हेल्प से हम इसे ऑन करेंगे और इसका टेम्परेचर हम इसको 600 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाएंगे इसका टेम्परेचर, और ये इग्नाइट करेंगे। अब हमने जो मफल फर्नेस में इग्नाइट होने के लिए हमने क्रूसिबल रखा था, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम हमारे क्रूसिबल को इसके अंदर से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के लिए हम वही लॉन्ग टॉन्ग यूज़ करेंगे और हम प्रोटेक्टिव ग्लव्स पहनेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है तो वो हमारा हाथ जल सकता है। सबसे पहले हम जो इसका ये मेन है इसको बंद करेंगे और फिर हम इसको ओपन करेंगे और दूर से ही हम लॉन्ग टॉन्ग की हेल्प से हमारा क्रूसिबल को बाहर निकालेंगे। फिर हम इसको कूल डाउन होने के लिए डेसिकेटर में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ये हमारा डेसिकेटर है, इसको हम स्लाइड करते हुए ओपन करेंगे और जो हमारा क्रूसिबल था उसको हम इसके अंदर प्लेस करेंगे और इसको वापस से स्लाइड करते हुए हम बंद कर देंगे। सो हमने जो डेसिकेटर में हमने क्रूसिबल रखा था कूल डाउन होने के लिए, उसको 20 से 25 मिनट अभी हो चुके हैं, वो बिल्कुल कूल डाउन हो चुका है। उस बीच में हमने ये सैंपल लिया है, हम कैंडी का ऐश लगाएंगे। तो हमने ये 3 से 4 कैंडीज ली हैं, उसको हम मोटा पेस्टल की हेल्प से क्रश करेंगे। हमने ये सैंपल को बिल्कुल ग्राइंड कर लिया है मोटा पेस्टल की हेल्प से। अब हम क्रूसिबल को निकालेंगे और उसका एम्प्टी वेट चेक करेंगे। ये हाथ लगाने पे ही फील हो रहा है कि ये ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसका एम्प्टी वेट लेंगे।
और इस विंडो को हम बंद कर देंगे। इसका एम्प्टी वेट आ रहा है 67.2165। अब हम इसको टेयर कर देंगे और हमने जो ये सैंपल ग्राइंड किया था इसमें से हम 2.5 ग्राम सैंपल क्रूसिबल में डालेंगे। हमने सैंपल वेट वे कर लिया है 2.5160। अब हम इसको सैंपल को चेयरिंग के लिए हीटिंग प्लेट पे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जो हमारा चेयरिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें से चेयरिंग हम बेसिकली इसलिए करते हैं कि इसमें जितना भी मॉइस्चर अगर प्रेजेंट है और फ्यूम्स अगर जो बननी है वो बन के ख़त्म हो जाएं। और अब इसके अंदर हम 10% H2SO4 का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। इस ड्रॉपर की हेल्प से हम 3 to 4 ml H2SO4 का सॉल्यूशन लेंगे। 10% H2SO4 का सॉल्यूशन वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए और हीटिंग प्लेट पे ही रखेंगे। चेयरिंग प्रोसेस हमारा पूरा हो चुका है। अब हम इसको लॉन्ग टॉन्ग की हेल्प से मफल फर्नेस में रखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। ये हमारा मफल फर्नेस है। हम इसको इस तरह ध्यान से ओपन करेंगे और ध्यान से हम इसको अंदर की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको बंद कर देंगे और जो हमारा मफल फर्नेस है उसको हम स्टार्ट कर देंगे और नेक्स्ट 3 आवर्स के लिए हम इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे ट्रीट करेंगे। अब हमारे सैंपल को मोर देन 3 आवर्स हो चुके हैं, 3 to 3.5 आवर्स। उसके बाद में हमने इसको बंद कर दिया है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा। उसके बाद हम टोंग की हेल्प से जो हमारा क्रूसिबल है उसको इसमें से बाहर निकालेंगे। अब हम इसे कूल डाउन होने के लिए डेसिकेटर में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। हमने इसे डेसिकेटर में रख दिया है और अब डेसिकेटर को हम ऐसे स्लाइड करते हुए इसको वापस से बंद कर देंगे। ठंडा होने के बाद जब हम क्रूसिबल को वेइंग बैलेंस पे उसका फाइनल वेट चेक करेंगे तो उसका वेट हमारा आ रहा है 67.2201 ग्राम।